हेलो गाइस, तो मेरा नाम आकाश है और ये मेरा नया 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 चैनल है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सिर्फ ओनली लिनक्स के बारे में बताता हूँ और पढ़ाता हूँ, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो चाहे वो एरर फिक्सिंग हो, ठीक है। और ये एक हिंदी चैनल है क्योंकि मैं यहाँ हिंदी में ही बताता हूँ और समझाता हूँ। और इस वीडियो में हम जो कि मेरी पहले वाली इस वीडियो हम ये देखेंगे और ये पढ़ेंगे कि हम कर्नल्स को कैसे बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं। क्योंकि जो मेरी पहले वाली जो वीडियो थी जो कि मैंने पहले बनाई थी, उसमें मैंने कर्नल अपडेटिंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जब हम मैं आपको एज अ प्रैक्टिकली बताता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। तो उस हमने क्या यहाँ पर कर्नल अपडेट करे हैं, ठीक है, जो कि तीन हमने कर्नल अपडेट करे थे, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कर्नल थे, हमने अपडेट किया था 4.10, मतलब 3.10 से हमने 4.10 में अपडेट किया था, ठीक है। बट हमारा क्या है, हम जब रिबूट करते हैं सिस्टम को तो बाय डिफॉल्ट वो 3.10 वाला ही ले रहा है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम 4.10 को हम बाय डिफॉल्ट कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। वरना क्या, हम जब भी सिस्टम को ऑन करेंगे तो हमें बाय डिफॉल्ट हमें खुद ही मैनुअली जाके हमें 4.10 वाले से कर्नल से हमें बूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या है, हमें सेट करना है बाय डिफॉल्ट कि हमारा बाय डिफॉल्ट वो यही वाला कर्नल ले, ठीक है। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं इस वाले कर्नल से ही बूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस वाले कर्नल से बूट कर लिया। अब हम एक बार सिस्टम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको SSH ले लेता हूँ, ठीक है। SSH टू रूट डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप पासवर्ड, ठीक है। अब हम आ गए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने SSH ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेस्कटॉप जीरो ही है और ये भी डेस्कटॉप जीरो है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि SSH कैसे लेना है तो मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो कर्नल अपडेटिंग का भी नीचे लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कर्नल अपडेट आपने नहीं किया अभी तक तो आप वहाँ से करें देख के, ठीक है। तो क्योंकि ये कर्नल अपडेटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है और ये एक अपडेट है सिस्टम के लिए हमारे, क्योंकि हमें करते रहना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा अभी रन टाइम में हमारा कौन सा कर्नल है, ठीक है। रन टाइम में हमारा ये वाला कर्नल है। अब हम इसको बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं किसके लिए, 4.10 के लिए। तो हम क्या करते हैं, सेट अगर मैं दिखाऊं तो इसका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा कि जो भी आप नंबर ऑफ जो भी आप चाहते हो, ठीक है, जो भी आप सेट करना चाहते हो, मतलब नंबर एन एन फोर नंबर, ठीक है, जो भी आप कौन सा भी नंबर का सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब उससे उससे इसकी पावर एन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, मतलब आप उससे एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मेरे को पहला पहला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एन तो हमारा नंबर हो गया वन और पहला चाहिए हमें, तो उससे एक माइनस कर देते हैं तो जीरो, ठीक है। तो जीरो, ठीक है, तो जीरो हमको सेट करना है यहाँ, क्योंकि हमारा सबसे पहला वाला जो है उसका जीरो है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे सेट करना है, ठीक है। तो ग्रब टू सेट डिफॉल्ट जीरो, ठीक है। अगर आपको दूसरा वाला सेट करना है तो मैंने आपको बता दिया नंबर देन उसकी पावर है एन, ठीक है, और पावर से एक माइनस करना है हमको, जो भी आपको फिर देखना है आपको कि जो भी आपका आंसर आएगा फिर वो उसको आपको वहाँ पर जीरो हटा के जो भी आप चाहते हो वो वाला डाल सकते हो, ठीक है। तो ग्रब टू हाइफन सेट हाइफन डिफॉल्ट और जीरो, तो मैं पहला वाला सेट करूँगा, ठीक है। तो एंटर, ठीक है। अब हम देख अभी हमारा कौन सा वाला चल रहा है, यू नेम हाइफन आर, तो 3.10 है। अब हम क्या करते हैं, सिस्टम को रिबूट करते हैं, ठीक है। सिस्टम को रिबूट करते तो यहाँ देखेंगे हमारा बाय डिफॉल्ट पहले 3.10 आ रहा था, अब बाय डिफॉल्ट हमारा 4.10 आ रहा है। हमें हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बाय डिफॉल्ट हमें मैन्युअली मतलब हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो अगर मैं फिर से दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप सेकंड चल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं छेड़ा,
अब वो बाय डिफॉल्ट ये इसी से ही ले रहा है, ठीक है। मैं एक बार और दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेंड की, ऑल डन। तो देख सकते हैं आप यहाँ सेकंड्स चल रहे हैं, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट इसी से ही बूट ले रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कैसे सेट करना है वो मैंने आपको बता दिया, और कर्नल अपडेट करना है तो आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कर्नल कैसे अपडेट करना है रेड हैट में। मैं रेड हैट यूज़ करी है मैंने वहाँ पर, और सेंट ओएस में आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और मैंने तो नहीं बनाई है। तो कर्नल सेंट ओएस में क्या आपको अपडेट करने का ईजी है, बस उसमें तो बाय डिफॉल्ट रेपोज ही होती हैं, आपको इंटरनेट से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे वहाँ पर ऊपर भी लिखा रहा था यू नेम, फिर से हम SSH ही ले लेते हैं, SSH, ठीक है, यू नेम। अब आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट वो इसी कर्नल से बूट हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आपको कर्नल अपडेट नहीं पता है कैसे करना है तो मैं प्लीज़ बता रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, और दोबारा मिलते हैं दूसरी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।